हाय एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी एंड पॉजिटिव। आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ऑलटरिका की एक इंडियन शॉप का, जहाँ से मैंने इंडियन वेडिंग ड्रेसेस लिए हैं, वहाँ का रिव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो कोई भी मिस आउट ना हो। तो ये मैंने ओल्ड ऑरिका से एक इंडियन शॉप है, और वहाँ पे मुझे जो है ये बहुत ही अच्छी ब्राइडल वेडिंग ड्रेसेस की रेंज मिली है, जहाँ पे अगर आप वहाँ जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ 100% प्योर है। और इन्होंने बताया कि इनका सारा स्टॉक जो है वो इंडिया सूरत से आता है, और वहाँ पे इनकी गाजीवाला की शॉप है जिसके टैग्स भी इनके लहंगों पर और जोड़ों पर लगे हुए थे, और बहुत अच्छी शॉप है। वहाँ पर बहुत सी वैरायटी थी लहंगे की, साड़ियों की, प्योर बनारसी साड़ियाँ भी थी, कटदाने की थी, हैवी काम था, जामावार था कंट्रास्ट के लिए प्योर, तो बहुत अच्छी मुझे लगा। और मैं आपको ऑनलाइन भी शेयर किया एक एक्सपीरियंस कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था लहंगा, उसका एक्सपीरियंस की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वो भी चेकआउट कीजिएगा। तो ये मैंने जो लिया है लहंगा, मुझे जो अच्छा लगा था, तो ये इसका ब्लाउज़ है जिसमें बाजू भी हैं, सफिशेंट है, बहुत खूबसूरत प्योर सिल्क पर काम हुआ है, प्योर तिल्ले का, और ये तिल्ला बहुत खूबसूरती से लगाया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कितना प्यारा और कितना नीट काम हुआ हुआ है, और क्यों है ऐसा, मैं आपको इसकी भी रीज़न अभी आगे वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, आगे बहुत कुछ है इस वीडियो में आपको बताने के लिए। तो ये है जी जूम करके इसका व्यू, जिसमें तिल्ला बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन है। अब इनके ब्लाउज़ का डिफरेंट डिज़ाइन है, नीचे ये देखें बॉर्डर का पैनल लगा के पूरा काम हुआ हुआ है तिल्ले का, और ये डिफरेंट है, लहंगे पे डिफरेंट डिज़ाइंस हुए हुए हैं, उस पर तिल्ला डिफरेंट हुआ हुआ है तिल्ले का काम। तो ये देखें, ये है रीज़न कि इन्होंने पीछे इसके अस्तर यानी टिकन लगाई हुई है, जिससे काम इस पर स्टिक हुआ हुआ है, हिला नहीं, नीट हुआ हुआ है। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो ईजीली रिमूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इस पर इंटरलॉक भी ये देखें हुआ हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि कपड़ा ख़राब ना हो, इंटरलॉक कराना है, डैमेज ना हो तिल्ला। ये बहुत अच्छे से काम किया गया है, बहुत डिटेल्ड वर्क है, और ओल्ड ऑरिका में आपको ऐसा डिटेल्ड वर्क और शॉप से नहीं मिलता। और ये पूरा स्टिच्ड है, यानी आप समझे हाफ स्टिच्ड है, और हाफ आपने सिर्फ ब्लाउज़ और वो स्टिचिंग एक लहंगे की करवानी है। ये लहंगा कंट्रास्ट में है, इनके सारे लहंगे प्योर डार्क ब्राइडल रेंज जो है वो इनकी डार्क कंट्रास्ट में है सारी, क्योंकि वेडिंग पे अच्छे लगते हैं डार्क। और ये पट्टी आप देखें, ऊपर पूरी पट्टी बनी हुई है, कितना ज़्यादा ब्रॉड लहंगा है, कितनी विड्थ है इसकी, यही डिफरेंस है ऑनलाइन लेने में और ख़ुद परचेस करने में। ये देखें, अब ऊपर डिज़ाइन डिफरेंट है जो रेड पे है, नीचे पर्ल का जो कंट्रास्ट है रेड के साथ, उस पर डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट काम हुआ हुआ है। ये देखें कितना ब्रॉड इसका बॉर्डर है, और इस पर भी पूरा काम हुआ हुआ है, ये काम भी बहुत अच्छे से स्टिक किया गया है। इसकी भी बैक में आपको दिखाती हूँ, और आपको आइडिया होगा कि इन्होंने हर जो इसका उसका फॉल आना है उस पर भी इंटरलॉक किया हुआ है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको बैक जब दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या किस बारे में बात कर रही हूँ। ये देखें इसकी बैक, इस पे देखें तिल्ले का गुता हुआ काम है, और कपड़ा भी इसका जो है वो बनारसी लगाया हुआ है कि इसका बॉर्डर डैमेज ना हो, स्टिचिंग हुई हुई है, ये साथ इसका देखें इंटरलॉक हुआ हुआ है, और लाइनिंग भी आपको स्टिच हुई हुई है साथ की, आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे इस शॉप की अच्छी बात लगी है कि डिटेल वर्क है इसका ओल्ड ऑरिका की शॉप में। बाकी मैंने देखा है कि काफ़ी शॉप्स पर डैमेज काम आ गया, तो काइंडली प्लीज़ आप चेक करके लीजिएगा। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में भी छींटा पूरा है, और ये देखें ये इसका पल्लू है इतना हैवी, और ये इसका साइड पे पैनल्स लगे हुए हैं जो आपके सर पे आएंगे, साइड पे आएंगे, और ये इसके भी अगेन बैक पे पूरा टिकन लगा के तिल्ले का काम हुआ हुआ है, और पूरा स्टिचिंग हुई हुई है दुपट्टे की, जिसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये बी रेड में बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसकी विड्थ लेंथ बहुत अच्छी थी, जो कि ऑनलाइन में मुझे
लेने पे लहंगे की नहीं मिली, और ये प्योर सिल्क है, प्योर तिल्ला है, और ये बहुत ही खूबसूरत इसके कंट्रास्ट है। मैं आपको आगे और भी कंट्रास्ट दिखाती हूँ जिसमें कोई डैमेज नहीं है, जिस तरह की ओल्ड ओरिका में बहुत डैमेज कपड़े हैं, आपको बहुत ध्यान से लेने पड़ेंगे, तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं आपको लेनी। और ये बहुत अच्छे से आपका स्टिच होगा, आपको अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपको आ जाएगा, इसका इतनी विड्थ और लेंथ है। लेकिन अगर आप ज़्यादा हैवी हैं तो फिर आपको इसमें पैनल्स लगवाने पड़ेंगे, कपड़ा लगवाना पड़ेगा, ताकि आपको ये आए, तो इतना सफिशिएंट तो है कि आप बनवा सकते हैं इजीली। उसके अलावा इसकी अगर मैं कॉस्ट आपको रेंज बताऊं तो ये 9000 का था, और अगर आप बार्गेन करें तो वो भी आपको कम हो जाएगा। और नेट के इसी तरह के लहंगे थे जिनका पूरा पैनल लगा था काम, उनका भी इसी तरह था, और वो आपको मिल जाएंगे 7 to 8000 की रेंज में। और आपको जो भी सूटेबल अगर आप लेना चाहते हैं लगता है तो वो ले सकते हैं। और मुझे बहुत इस पे खुशी हुई है कि प्योर कपड़ा है, प्योर इसका है, दुपट्टे का कंट्रास्ट बहुत अच्छा था इसके साथ, और बहुत अच्छा बॉर्डर है, यानी साइड पे पल्लू है भी और बीच में इसके जो है वो आपको मिल जाता है कि आपका सर पे अच्छे से कैरी हो सके। अगर आपने ब्राइडल शादी के लिए लेना है या पार्टी वेयर के लिए लेना है तो भी ये बहुत अच्छा है, यानी कुछ अच्छे बड़े इवेंट्स के लिए। ये के लहंगे के मज़ीद कंट्रास्ट और मज़ीद आइडियाज़ थे, आप देखें हर एक पे तिल्ले का, हर एक पे बनारसी पट्टी का, हर एक पे डिफरेंट काम हुआ हुआ है। ये जिसना पर्पल का पिंक के साथ और ब्लू का, स्काई ब्लू का शॉकिंग पिंक के साथ था। और ये है इसका कटदाने की रेंज, जिसमें आपको धागे का, स्टोन्स का, कटदाने का, नगों का, नलकियों का, सितारों का, मोतियों का काम मिलेगा, तिल्ले का काम मिलेगा। और ये देखें ये शर्ट है, इस पर आप देखें डिज़ाइन हर जगह डिफरेंट है। ये जो है इसके गले पे स्टोन का भी काम है, तिल्ले का भी है, कटदाना भी है, नलकियाँ भी हैं, और मोती ये देखें लगे हुए जूते में, ये इसका बॉर्डर है। और इस पर सबसे अच्छी बात है कि इसको हाथ से लगाया गया है मोतियों को, नलकियों को, क्योंकि बाकी ओल्ड ओरिका की शॉप्स में सितारे वगैरह ग्लू से लगाए थे, जिसमें मोती सितारे झड़ रहे थे जब वो दिखा रहे थे, तो डिस्प्ले करते हुए ही झड़ना शुरू हो गए थे। ये इसके बाजू हैं, और इसी तरह छींटे की बैक और बाजू होंगे इसके दुपट्टा, सॉरी। तो इसके जो है ये और मज़ीद कंट्रास्ट में इसके शेड्स से, और इसकी रेंज थी 5000। और इसमें आपको जामावार का, इनके पास जामावार था, उसका कंट्रास्ट लगवाना चाहें तो आप वो कंट्रास्ट भी लगवा सकते हैं। और इसमें ये स्टोन्स के कंट्रास्ट में था, डिफरेंट था, और बहुत अच्छे थे बना, और इसमें हैवी भी थे ये भी थे। और ब्राइडल जो लहंगे मैंने आपको बताऊँ तो वो 9000 से ऑनवर्ड्स जो थे, हैवी की रेंज स्टार्ट हो रही थी, उसमें वेडिंग लहंगाज आ रहे थे, यानी ब्राइडल लहंगाज हैवी वाले आ रहे थे, जिनमें 10, 12, 15 इस तरह की रेंज थी। ये इनकी साड़ी की रेंज थी, जिसमें प्योर बनारसी पल्लू थे, बॉर्डर्स थे, और उस पर बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ था, वो भी डिफरेंट थे, आप खुलवा के जब देखेंगे आइडिया होगा। और साड़ी की इनकी जो रेंज थी वो 7000 से स्टार्ट हो रहे थे, प्रॉबेबली 7000 या 7500 से, और ऑनवर्ड्स इनके जिस तरह हैवी हो रही थी साड़ी, उसके भी बढ़ता जा रहा था रेंज, और इसमें भी डिफरेंट कंट्रास्ट और वो थे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।